हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसएस किचन। आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेके आया थोड़े वास्ते एक इंग्लिश डिश और जिसका नाम हैगा वा पोटैटो रोस्टी। इट्स लाइक टिक्की बट एक गोरियां दे तुसी हैश ब्राउन भी कह सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आपका किदा बनाई दी है पोटैटो रोस्टी, लेट्स स्टार्ट। पोटैटो रोस्टी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? कोई ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स नहीं चाहिए। हमें चाहिए वॉश किए पोटैटोज, एक मीडियम अनियन और थोड़ा सा राइस फ्लावर और सॉल्ट एंड बटर एंड पेपर, ब्लैक पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ क्रश यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पोटैटो रोस्टी की विधि। सबसे पहले हमें एक चाहिए बॉल और बॉल में हम क्रेट करेंगे हमारे आलू। तो मेरे पास ये क्रेटर है तो मैं इसको इन आलू को ऐसे क्रेट कर लूँगा अच्छी तरह से। तो आप ध्यान से करें इसको क्रेट, बिकॉज हाथ कटने के चांसेस ज़्यादा है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। और ये बहुत ही सिंपल है बनाने में, इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और इट्स वेरी गुड फॉर ब्रेकफास्ट। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन। मैंने इनको चॉप कर लिया था, फाइन चॉप अनियन। मैं एक मीडियम साइज़ का अनियन यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसमें डाल रहा हूँ बटर और इसके साथ ही मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर पेपर क्रश किया हुआ, ज़्यादा नहीं है, बस जस्ट फॉर फ्लेवर। अब इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ सॉल्ट, जस्ट फॉर टेस्ट, लाइक 1.5 स्पून। और इसके साथ ही मैं डाल रहा हूँ इसमें राइस फ्लावर। राइस फ्लावर से जो हमारी रोस्टी होगी वो अच्छी बनेगी और क्रिस्पी भी बनेगी। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, सो दैट्स अ सब्स्टिट्यूट यू कैन यूज़ इट। तो अब अच्छी तरह से इसको हम मिला लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है सब कुछ, आप देख सकते हैं। सो ये ना ही ज़्यादा रनी है, जो हमारा रोस्टी का मिक्स है वो बिल्कुल सही है। फिलहाल के लिए हम इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए ताकि एवरीथिंग ऑब्जर्व इन इट। तो लीजिए 5 मिनट हो चुके हैं, ये हमारा सेट हो चुका है मिक्स रोस्टी का। तो इसको हम रखेंगे साइड में और उसी दौरान मैंने क्या किया है कि एक बेकिंग ट्रे लेके उसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगा लिया है। मेरे पास बेकिंग पेपर नहीं था तो मैं सिल्वर फॉइल यूज़ कर रहा हूँ, आप बेकिंग पेपर भी लगा सकते हैं। उसके बाद में मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल स्प्रे करूँगा। तो इससे ताकि जब हम रोस्टी को रोस्ट करेंगे तो वो चिपकेगी नहीं। और साथ ही में मेरे पास ये है रिंग, तो मैं इस साइज़ की रोस्टी बनाऊँगा। तो हमें करना क्या है कि रिंग को रखना है यहाँ पर और ये लेना है मिक्सचर यहाँ पर और इसको इसके अंदर डालना है पूरे रिंग के अंदर अच्छी तरह से। डालने के बाद प्रेस करें अच्छी तरह से और रिंग को आप उठा लें। तो इसी शेप से, अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा स्टिकी है तो आप पानी भी थोड़ा लगा सकते हैं हाथ में ताकि जो रोस्टी की शेप है वो अच्छी तरह से बन जाए। इसी तरह से आप सारी रोस्टी बना लें। That's it। और मैं इनको रोस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि इससे इनकी शेप अच्छी आती है। लाइक अगर मैं इनको डायरेक्टली फ्राई करूँगा समटाइम देयर आर वेरी चांसेस जो रोस्टी है हमारी टियर हो सकती है, फट सकती है और शेप भी सही नहीं आ सकती। सो बेस्ट इसलिए है कि आप इसको पहले रोस्ट कर लें और रोस्ट करने के बाद आप इसको अगर 2-3 दिन के लिए रखना भी चाहें तो आप रख सकते हैं।
आप इसको रख के फिर यूज़ कर सकते हैं, और जब भी आपका खाने का मन हो यू कैन फ्राई इट एंड एंजॉय। अगर फ्राई भी नहीं करना चाहते दोबारा से रोस्ट करें ब्राउन कलर आने तक, और यू कैन हैव इट विदाउट इवन फ्राइंग। सो ये दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। तो मैं तो पहले इनको रोस्ट करूँगा दोनों साइड से, रोस्ट करने के बाद फिर हम इनको फ्राई करूँगा, तो उसके बाद में इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है। रोस्टी हमारी है वो बिल्कुल शेप में आ चुकी हैं, हमने इनको डाल लिया है ट्रे में, और अब मैं इनको बेक करूँगा 210 डिग्रीज पर ईच साइड 6 to 8 मिनट्स, जब तक इन पे थोड़ा सा कलर नहीं आ जाता ऊपर। जब एक साइड कुक हो जाए तो आप इनको बाहर निकालें और जो फ्लिप करें जो हमारी रोस्टी है, और दूसरी साइड इसको बेक करें, देन जब दोनों साइड बेक हो जाएगा तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। चलिए मैं इसको अब डाल रहा हूँ ओवन में, ओवन हमारा प्री हीट है ऑलरेडी, तो ये जाएंगी 6 to 8 मिनट्स ईच साइड। रोस्टी इन द ओवन नाउ। लीजिए आफ्टर 8 मिनट्स हमने रोस्टी को बाहर निकाला है, तो अब हमें इनको क्या करना है फ्लिप करना है। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर इनके ऊपर आ चुका है, सो अच्छी लग रही है मेरे को तो। सो अब हम इन्हें फ्लिप करेंगे, तो जस्ट दूसरी साइड से 8 मिनट और पकाएंगे हम। सो इट्स वेरी हॉट, यू शुड यूज टॉन्ग। तो लीजिए हमने अपनी रोस्टी को बाहर निकाल लिया है, और कितना प्यारा कलर है आप देख सकते हैं इसके ऊपर। सो ऑल रोस्टेड वेरी वेल। तो अब हम इनको मैं क्या करूँगा, मैं इनको अपना फ्राई करूँगा, जस्ट ब्रिंग कलर ऑन अ टॉप। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे ही रोस्ट कर सकते हैं, लाइक मोर 4 to 5 मिनट्स गो मोर, सो दे विल वेरी क्रिस्पी ऑन टॉप और कलर आ जाएगा इनका ब्राउन अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कलर आया है, अगर आप और रोस्ट करेंगे तो और भी कलर आ जाएगा। तो मैं इनको अच्छा टेक्सचर देने के लिए अब इनको फ्राई करूँगा। जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो चुका है, मैंने यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम ऑयल हीट कर लिया है, और ये रोस्टी अब मैं इसके अंदर डालूँगा। देख सकते हैं टर्निंग इनटू वेरी नाइस कलर, और फ्राई करेंगे थोड़ा सा। नाइसली डन, अब हम इनको बाहर निकालेंगे अच्छी तरह से, बहुत प्यारा कलर आया है, नाइस क्रिस्प गोल्डन ब्राउन, और फिर हम इसमें ये डाल देंगे जो हमारी बची हुई रोस्टी हैं। तो हमारी सारी रोस्टी हैं वो पक चुकी हैं, अब इनको इसमें डाल लेंगे। तो लीजिए रोस्टी हमारी डन है, अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। तो इसमें रख रहा हूँ रोस्टी, यू कैन सी कितना प्यारा कलर आया है, एंड दे लुक अमेजिंग। यप दिस वन, एंड मेरे पास है थोड़ा सा स्लो लिया है मैंने पर्पल कैबेज एंड ग्रीन कैबेज, थोड़ी सी इसके ऊपर गार्निश, और थोड़ी सी मेरे पास है टैमरिंग सॉस, जस्ट फॉर गार्निश यूज कर रहा हूँ। एंड सावन क्रीम इसके ऊपर, दैट्स इट। एंड जो हमारा फाइनल टच, सम ऑफ मिंट लीव्स। तो लीजिए हमारी जो पोटैटो रोस्टी है वो बिल्कुल तैयार है, आप किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, यू कैन सर्व विद मिंट सॉस, टैमरिंड सॉस, इवन
कैप्सिकम सॉस और टमाटो सॉस एनी सॉस सो दैट्स इट